हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। और हम कर रहे थे लूसेंट जी की, और उसमें हमारा मेडिवल हिस्ट्री चल रहा है। और आज हम शुरू करेंगे रिलीजियस मूवमेंट्स इन 15th एंड 16th सेंचुरी। इसमें सबसे पहले आता है भक्ति मूवमेंट। जो भक्ति मूवमेंट था वो किस चीज़ पे बेस्ड था? वो बेस्ड था रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन इज थ्रू लव एंड वर्शिप। वो क्या मानते थे कि जो गॉड और मैन के बीच में रिलेशनशिप होता है वो लव एंड वर्शिप का रिलेशन होता है, कि भगवान के लिए जो श्रद्धा होती है वो आपके दिल में होनी चाहिए, ना कि आप रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हो या रिलीजियस सेरेमनीज कर रहे हो भगवान को खुश करने से। ऐसा सब कुछ करने से भगवान खुश नहीं होता। अगर आपके दिल में श्रद्धा है तो भी खुश है। साउथ इंडिया में सबसे पहले जो भक्ति मूवमेंट जो ग्रो हुआ था वो एक छोटे से रिलीजियस ग्रुप से ग्रो हुआ था। पहले जो साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट था एक छोटा सा रिलीजियस ग्रुप था, बट बाद में ये बहुत ही बड़ा पॉपुलर मूवमेंट बन गया था, विच इज बेस्ड ऑन द सोशल एंड रिलीजियस इक्वालिटी। और वहां पे इनको जो लीड कर रहे थे, इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, वो थे पॉपुलर सेंट और पोएट एल्बर्ट। उनका नाम था एल्बर्ट, उसको एल्बर्ट बुलाते थे। और वो क्या रिप्रेजेंट करते थे? वो रिप्रेजेंट करते थे वैष्णविज्म की इमोशनल साइड थ्रू द कलेक्टिव सॉन्ग्स, जिनको बोलते थे परबंदास। फिर बाद में 10th सेंचुरी तक आते आते जो भक्ति मूवमेंट था वो डिक्लाइन कर गया था। इसके बाद क्या हुआ था? बाद में ये फिर से 11th सेंचुरी में आचार्य जी जो थे, आचार्य कौन थे? आचार्य थे जो कि वैष्णविज्म की इंटेलेक्चुअल साइड को रिप्रेजेंट करते थे। तो आचार्य ने 11th सेंचुरी में फिर से इसको रिवाइव करा था एज अ फिलोसफिकल एंड आइडियोलॉजिकल मूवमेंट। तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो थे रामानुजा। जो रामानुजा थे वो रामानंदा के ही डिसिपल थे, और वो इस मूवमेंट को नॉर्थ इंडिया तक लेकर गए थे। वो फिर बाद में इस मूवमेंट को नॉर्थ इंडिया में भी ले गए थे। अब भक्ति मूवमेंट के मेन फीचर्स क्या है? उसमें सबसे पहले आता है डिस्कार्डेड रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। अब जो भक्ति मूवमेंट था ये रिचुअल और सेक्रीफाइसेस में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था। ये मानते थे कि भगवान को खुश करने के लिए ऐसा नहीं कि आप रिचुअल्स परफॉर्म करो, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करो, तभी भगवान खुश हो जाए होगा। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को अगर खुश करना है तो आपके दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए। सेकंड, एम्फेसाइज प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड। और ये बोलते थे कि आपका हार्ट प्योर होना चाहिए, आपका माइंड प्योर होना चाहिए, आप में ह्यूमनिज्म होना चाहिए, एक मानवता होनी चाहिए और एक डिवोशन होनी चाहिए, तभी भगवान खुश होगा। ये प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे। थर्ड फीचर है मोनोथिस्टिक इन नेचर। ये मानते थे कि जो भगवान है वो एक ही है, ऐसा नहीं है कि मंदिर में अलग भगवान है या मस्जिद में अलग भगवान है, हर जगह जो भगवान है वो एक ही है, भगवान अलग अलग नहीं है। फोर्थ फीचर क्या है? गॉड हैज ईदर फॉर्म। गॉड की कोई फॉर्म नहीं होती, गॉड जो क्या है वो फॉर्मलेस है, ठीक है। या तो कोई फॉर्म अगर होगी तो वो क्या होगा? वो सगुना होगा, और अदरवाइज जो गॉड है वो फॉर्मलेस है। फॉर्मलेस को ये निर्गुणा बोलते थे। अगर वो मानते थे किसी फॉर्म में गॉड को मानते थे, उस फॉर्म को ये बोलते थे सगुना, ठीक है। तो बेसिकली इनका क्या मानना था कि गॉड जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो वो किसी फॉर्म में प्रेजेंट होगा या फिर जो गॉड है वो फॉर्मलेस होगा। फिफ्थ ईयर क्या मानते थे? नॉलेज वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। तो जो इनका मेन फीचर था भक्ति मूवमेंट का वो क्या मानते थे? वो कहते कि जो नॉलेज है वो जो है वो भक्ति मूवमेंट का मेन पार्ट है। सिक्स फीचर क्या है? इगैलिटेरियन मूवमेंट। ये किसी कास्टिज्म में बिलीव नहीं करते थे। ये इगैलिटेरियन मूवमेंट था, इसमें कोई कास्ट या कोई रिलीजन नहीं था। ये कास्ट जो कास्टिज्म था उसको डिनाउंस करते थे। इनके हिसाब से सारे लोग इक्वल है, कोई रिलीजन नहीं है, ऐसे नहीं है कि कोई अलग रिलीजन का है कोई अलग रिलीजन का है। इनके हिसाब से सारे रिलीजन इक्वल है और कास्टिज्म तो है ही नहीं है, सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स है। सेवंथ फीचर क्या है? बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इज सिंगिंग भजन्स एंड रियलाइजेशन ऑफ गॉड बाय पर्सनल एफर्ट। ये मानते थे कि अगर आपने वर्शिप करना है तो वर्शिप की सबसे बेस्ट फॉर्म क्या है कि आप भजन गाओ और भगवान को रियलाइज करो, पर्सनल एफर्ट से रियलाइज करो भगवान को। ऐसे नहीं है कि आप भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर उसको भगवान मान रहे हो। भगवान के लिए आप उसकी भक्ति के लिए आप भजन गाओ और उनको फील करो, खुद से फील करो भगवान को। कोई प्रीस्टली क्लास की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, किसी सेंट की या किसी प्रीस्ट की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद गॉड को फील कर सकते हो। एट्थ फीचर क्या है? सेंट प्रीस्ट इन लोकल लैंग्वेज। जो सेंट्स वगैरह होते थे इस टाइम पे भक्ति मूवमेंट के, वो लोकल लैंग्वेज में गॉड को प्रीच करते थे।
फिर नेक्स्ट आते हैं भक्ति सेंट्स, इसमें सबसे पहले आते हैं रामानुजा। जो रामानुजा थे ये 1017 से लेकर 1137 तक एक्टिव थे। ये एक वैष्णविज्म सेंट थे साउथ इंडिया के। तो ये भक्ति मूवमेंट के और जो विशिष्टाद्वैता फिलॉसफी है इसके अर्लीस्ट एक्सपोनेंट थे। सबसे पहले भक्ति मूवमेंट इन्होंने ही शुरू किया था। फिर सेकंड जो आते हैं भक्ति सेंट वो आते हैं रामानंदा। रामानंदा 14th और 15th सेंचुरी में एक्टिव थे। ये फर्स्ट ग्रेट भक्ति सेंट थे नॉर्थ इंडिया के। रामानंदा नॉर्थ इंडिया के पहले भक्ति सेंट थे और इन्होंने जो भक्ति थी, भक्ति के जो दरवाजे थे वो सबके लिए खोल रखे थे। इन्होंने बोला था कि कोई भी गॉड की वर्शिप कर सकता है, इसमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं आप करोगे, ना तो बर्थ के बेसिस पे, ना कास्ट के बेसिस पे, ना क्रीड के बेसिस पे, ना सेक्स पे के बेसिस पे। ऐसे नहीं है कि जो फीमेल है वो गॉड की वर्शिप नहीं कर सकती, या फिर कोई लोअर कास्ट का बंदा है वो वर्शिप नहीं कर सकता। कोई भी भक्ति जो है भगवान है उसको, उसकी वर्शिप कोई भी कर सकता है। तो इसने जो भक्ति के दरवाजे थे वो सबके लिए खोल दिए थे। फिर नेक्स्ट जो भक्ति सेंट आते हैं वो आते हैं कबीर जी। जो कबीर जी थे वो रामानंदा के ही एक डिसिपल थे और ये भी कास्ट सिस्टम को, क्रीड को, इमेज वर्शिप, इन सब चीज़ों को अपोज करते थे। और इनका मानना था कि अननेसेसरी रिचुअल्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अननेसेसरी रिचुअल्स कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान खुश हो जाएगा, भगवान उससे खुश नहीं होंगे। ये जो भी आप रिचुअल्स करते हो, सैक्रीफाइसेस करते हो, ये सारे के सारे अननेसेसरी है, इनका कोई मतलब नहीं बनता। हिंदू और मुस्लिम के बीच का जो डिस्टिंक्शन था यहाँ पे उन्होंने वो भी फर्क खत्म कर दिया था। वो क्या मानते थे, वो सोशल यूनिटी को मानते थे। वो कहते थे कि अगर आपने सोसाइटी में रहना है तो सारे मिलजुल कर यूनिटी बनाकर रहो, कोई कास्ट नहीं होती, कोई लोअर या हायर कास्ट ऐसा कुछ नहीं होता। फिर नेक्स्ट आते हैं गुरु नानक देव जी। जो गुरु नानक देव जी थे ये निर्गुणा भक्ति सेंट थे और ये एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। ये फर्स्ट सिख गुरु थे और सिखिज्म के फाउंडर भी थे। फिर इसके बाद आते हैं चैतन्या भी एक ग्रेटेस्ट सेंट थे जो कि कृष्णा भक्ति कल्ट के थे। कृष्णा भक्ति कल्ट के ही ये एक सेंट थे और ये गौडिया और बंगाल वैष्णविज्म के फाउंडर थे। नेक्स्ट आते हैं विद्यापति। विद्यापति जो थे वे ये मैथिली सेंट और पोएट थे। इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी है राधा कृष्ण की, राधा कृष्ण की जो लव स्टोरीज है बहुत सारी इन्होंने उन पर कहानियाँ लिखी हुई है। नेक्स्ट आते हैं पुरंदरदास। जो पुरंदर दास है ये भी फॉरमोस्ट एंड मोस्ट प्रोलिफिक वैष्णव सेंट और कंपोजर थे। ये कर्नाटका थे के थे बेसिकली। पुरंदर दास बेसिकली कर्नाटका थे। ये कर्नाटका के ही सेंट थे और कंपोजर भी थे। और ये किस चीज़ पे बिलीव करते थे, ये बिलीव करते थे कि भगवान एक ही है। और इन्होंने जो मॉडर्न फेज है कर्नाटक म्यूजिक की, उनकी भी फाउंडेशन रखी थी। जो आज की डेट में कर्नाटक म्यूजिक चल रहा है ना, मॉडर्न फेज है कर्नाटक म्यूजिक की, उनकी फाउंडेशन इन्होंने ही रखी थी ये माना जाता है। फिर नेक्स्ट आती है मीराबाई। जो मीराबाई थी ये मराठा की राठौर प्रिंसेस थी और जो मेवाड़ के राणा संगा थे उनकी डॉटर इन लॉ थी। और जो मीराबाई थी ये जो वैष्णविज्म के कृष्ण कल्ट थे उनमें से उनकी एक वेल नोन वोमेन भक्ति सेंट थी मीराबाई। फिर मीराबाई के बाद आते हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य भी ये जो वैष्णविज्म के कृष्णा भक्ति कल्ट है उन्हीं के एक ग्रेट सेंट थे। और इन्होंने जो पुष्टि मार्ग की फिलॉसफी है वो इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट आते हैं सूरदास। सूरदास आगरा के एक ब्लाइंड पोएट थे। इन्होंने जो कृष्णा की ग्लोरी में बहुत सारे गीत गाए थे और उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सुरसागर। फिर नेक्स्ट आते हैं तुलसीदास। तुलसीदास भी एक सेंट पोएट थे। ये भी वैष्णविज्म के ही राम भक्ति कल्ट के सेंट पोएट थे और इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखी थी, जैसे कि रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, इन सब बुक्स के ये ऑथर थे। फिर आते हैं शंकरादेवा। शंकरादेवा भी वैष्णवा के फाउंडर थे। ये असम में जो वैष्णवा डिवोशनल मूवमेंट थी उसके ये फाउंडर थे। फिर आते हैं दादूदयाल। दादूदयाल जो थे ये निर्गुणा भक्ति सेंट थे और ये टेनर कास्ट के थे। वैसे ही इनका बर्थ जो था वो गुजरात में हुआ था, बट ये रहते कहाँ पे थे, रहते ये राजस्थान में थे। बाकी की सारी जो लाइफ है इन्होंने राजस्थान में ही निकाली है। ये दादू पंथ के फाउंडर भी थे। फिर उसके बाद आते हैं त्यागराजा। त्यागराजा एक तेलुगु थे। उन्होंने अपनी सारी की सारी ज़िंदगी तमिलनाडु में ही निकाली है, वो तमिलनाडु में ही रहते थे। ये सेंट और कंपोजर थे कर्नाटक म्यूजिक के। और ये गॉड को कुछ, इनका क्या मानना था कि जो गॉड है वो राम की फॉर्म में है और इनको भगवान विष्णु का अवतार भी मानते थे। वाल्मीकि रामायण के ये हीरो थे।
फिर नेक्स्ट आते हैं महाराष्ट्र के भक्ति सार। इसमें वैसे कुछ समझाने वाला नहीं है, ऐसे ही लिख रखा है, तो आप खुद भी चाहो तो पढ़ सकते हो। फिर आते हैं जनेश्वरा एंड जनंदेवा। ये जो जनंदेवा थे, ये जो महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट थी उसके हेड थे, और साथ ही साथ ये मराठी लैंग्वेज और लिटरेचर के भी फाउंडर थे। जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज चलती है ना, तो मराठी लैंग्वेज के ये फाउंडर भी थे। इन्होंने भगवत गीता में एक कमेंट्री भी लिखी है जिसको बोलते हैं भवरथा डिपका, और इसको बोलते हैं जनन शेवरी भी बोलते हैं। जो ये जो लिखा हुआ है भवरथा डिपका, इसको जनन शेवरी भी बोलते हैं। बड़ी मुश्किल सी है ये वर्डिंग, तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट आते हैं नामदेव। जो नामदेवा है, नामदेवा जनन, ये जो है जनंतवरा, इन्हीं के ही कंटेम्परेरी थे। कंटेम्परेरी मतलब इन्हीं के टाइम पीरियड थे। यहाँ पे आपने देखा ये 1271 में आए थे और ये आए थे 1270 में, तो इन्हीं के ही ये कंटेम्परेरी थे। नामदेवा भी कास्ट के ये टेलर थे, बट ये कास्ट डिस्टिंक्शंस को अपोज करते थे। इनके हिसाब से कोई कास्ट सिस्टम होता नहीं है, और ये विठोबा और विठल को मानते थे जो के पंढरपुर के थे, तो उनको ये मानते थे, तो उनको मतलब विष्णु का ही अवतार मानते थे। वो मानते भगवान जो विष्णु थे उन्हीं के ये भक्त थे बेसिकली। जो विठोबा और विठल कल्ट है उनको वर्कारी सेट भी बोला जाता है, और इनके जो वर्कारी सेट है इनके फाउंडर थे नामदेवा। फिर नेक्स्ट आते हैं एकनाथ। एकनाथ भी महाराष्ट्र के ही एक स्कॉलर थे, सेंट भी थे। इन्होंने जो रामायण है, रामायण पे कमेंट्री लिखी थी जिसका नाम था भवरथा रामायण, और एक और इन्होंने कमेंट्री लिखी थी 11th बुक ऑफ दी भगवता पुराना। फिर नेक्स्ट आते हैं तुकाराम। तुकाराम जो थे ये 1598 से लेकर 1650 तक एक्टिव थे। ये भी महाराष्ट्र के ही एक भक्ति पोएट थे। इन्होंने बहुत सारी डिवोशनल पोएम्स लिखी थी जिनको बोलते हैं अभंगास, और इन ये जो डिवोशनल पोएट्री है उसको ये गाते थे। फिर लास्ट आते हैं रामदास। जो रामदास थे वो महाराष्ट्र के ही लास्ट ग्रेट सेंट और पोएट थे, और इन्होंने दस बोधा एक लिखी थी जिसमें इनके सारी राइटिंग्स और सरमन्स है। सारी इनकी जो राइटिंग्स और सरमन्स की कंपाइलेशन है उसको बोलते हैं दस बोधा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे। नेक्स्ट हम देखेंगे सूफी मूवमेंट्स, और सूफी मूवमेंट्स के जो भी सेंट्स वगैरह है उनके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा शुरू होगा मुगल पीरियड, राइट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।